हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भेलपूरी बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, टमाटर प्याज चाहिए और हरी मिर्ची और चावल की ये मुरमुरे चाहिए और थोड़े से मेपा ये चना बेलकन भी चाहिए। तो हम चार जनों के हिसाब से बना रहे हैं, तो इसमें हम इसमें लाई ले लेंगे। तो इसके लिए इस तरह लाई लेनी है हमें। अब इसमें हमें एक जने के हिसाब से हम बना रहे हैं, इसमें चार के हिसाब से 1, 2 और 3 and 4। तो उसके हिसाब से हमें ये लाइन लेना है। अब इसके बाद हमें टमाटर प्याज को कट कर लेना है। अब देखिए, ये मैंने अपना टमाटर प्याज ये इसको चॉप कर लिया था, तो इसको मेरे को इसमें भेलपूरी में डाल देना है। इसका कटर साफ करके ये टमाटर प्याज इसी तरह ये पूरी काटते हैं। चमचे से हमको ये अपना टमाटर प्याज को मिला ले रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसको मिला लिया। अब मुझे थोड़ा सा इसमें चना बेलकन अच्छा है, आप इसमें अपने इच्छा अनुसार इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं भी डालना चाहे तो कोई नहीं है। और इसमें पर हमें बच्चे इसमें खाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें चना वगैरह का मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें हम डालेंगे वाइस सफ़ेद नमक, और लाल मिर्च। लाल मिर्च हम थोड़ा कम डाल रहे हैं जिससे कि बच्चों को हो रहेगा। और उसके बाद हम डालेंगे, हमारे पास सारे धनिया चटनी हो तो वो डाल सकते हैं और नहीं है तो ये। और उसके हम फिर इसमें सॉस डालेंगे और आप इसमें चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, थोड़ी किशमिश और वो डाल देंगे। अब इसमें हमने टमाटर और प्याज मिला लिया है। आप हरी मिर्च ऐड करना चाहे तो कर लिए, पर मैंने इसमें करी नहीं है क्योंकि बच्चे को थोड़ी तीखा है इसलिए। और इसमें सॉस ऐड कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पुदीना, आप पे धनिया चटनी हो तो धनिया डाल लीजिए, नहीं तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पे है नहीं फिलहाल, तो मैं सिर्फ पुदीना डाल रही हूँ उसमें। ये सूखा पुदीना है, आप हमने सुखा के घर में रख लिया है। जब पुदीना ज़्यादा मात्रा में आता है तो इसको घर पर सुखा सकते हैं अपन चाय के अंदर में। ये मैं आपको बीच बीच में टिप्स भी बताती रहती हूँ जिससे कि आप अपने जो घर की चीज़ें उसको बना के रख लें। तो पुदीने में कुछ नहीं करना, उसको छाया में रखना है बस। पुदीने के पत्ती सूख जाए तो उसको छान के भर लेना है। अब इसके आगे दोस्तों, इसमें मेरे को पहले थोड़ी नमकीन ऐड करनी है। आपके पास जो भी हो, मिक्सर हो या भुजिया हो या सेव वगैरह, वो आप डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जैसा आपको स्वाद चाहिए। मैं इसमें मिक्सर डाल रही हूँ। ये मैंने इसमें 3-4 चम्मच के करीब डाल दिया। अब अपने हिसाब से ज़्यादा नमकीन खाना चाहे नमकीन, नहीं तो कम डालना चाहे। इसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी किशमिश डाल दी है। तो ये देखिए, अब मेरी ये भेलपूरी बनके तैयार हो गई है। इसको पूरा अच्छे तरह से हम मिला लेंगे। अब इसको हम अपने जिसमें सर्विस करेंगे अपने बाउल में, उसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, मेरी भेलपूरी तैयार हो गई है। और ये मैंने उसमें 4 जने के हिसाब से बनाई थी, मैंने 2 की जगह इसमें 1 में डाल दी, 1 फुल। और इसमें इसके हिसाब से तो आज